क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ने गोपनीय जानकारी के आधार पर मालेवाड़ा रोड स्थित ताजनगर परिसर में रहने वाले विनायक फाकू चिंचखेड़े के घर पर छापा मार उसके घर से देसी और विदेशी शराब की जिसकी कुल कीमत 29,790 रुपए की शराब बरामद हुई। ऐसी जानकारी सहायक पुलिस निरीक्षक विजय कसोधन द्वारा दी गयी। कई स्थानों पर छापेमारी में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध तरीके से शराब बेचने वाली वाइन शॉप मालिकों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी थी। इंस्पेक्टर जयेश भंडारकर के मार्गदर्शन में तहसील थाने के एसआई राजेश ठाकुर, हेड कांस्टेबल आनंद दीक्षित, सुरेश पांडे, कांस्टेबल प्रवीण मानापुरे और मुकुंद वारे ने शुक्रवार की रात गश्त के दौरान दोपहिया वाहन पर सवार पाचपावली निवासी आशीष पांडुरंग दुटे और राजू हरि यादव को दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास विदेशी कंपनी की 36 बोतलें शराब बरामद हुई। दोनों के खिलाफ तहसील थाने में मामला दर्ज किया गया है। कल दिनांक 13/3/2021 को गुप्त बातें कार्य के मार्फत से हमको पक्की खबर मिली कि एक विनायक चिंचखेड़े नाम का आदमी, उसके कब्जे में अवैध रीत्या देसी और विदेशी दारू का माल रखा है और अवैध रीत्या वो बेच रहा है। उस माहिती के आधार पर हमने पुलिस उपायुक्त श्री गजानन राजमाने साहब, सहायक पुलिस आयुक्त नंदनवार साहब और पीआई श्री कुमरे साहब, इनके मार्गदर्शन में यूनिट 4 की टीम ने ताजनगर में प्लॉट नंबर 6 में पुलिस स्टेशन अजनी के हद में रेड किया। उस रेड में हमें उसके कब्जे में उसके घर से कुल विनायक चिंचखेड़े के घर से कुल 29,790 रुपये के देसी और विदेशी दारू बरामद हुई है, जो हमने पंचनामा करके सील की है और उसके ऊपर गुना दाखिल किया है अजनी पुलिस स्टेशन में। क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ने गोपनीय जानकारी के आधार पर मानेवाड़ा रोड के ताजनगर इलाके में रहने वाले विनायक फागू चिंचखेड़े के घर पर छापा मारा। उसके घर से देसी और विदेशी कंपनी की 30,000 रुपए की शराब बरामद हुई। माल के बारे में पूछताछ करने पर विनायक ने अलग अलग दुकानदारों से खरीदी करने की जानकारी दी। उसे अवैध तरीके से शराब बेचने वाले अन्नाथ देशभक्ती, त्रिलोक वाइन शॉप और टिकली वाइन शॉप के संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपुर।